हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। नवाजुद्दीन, हम लोगों ने कुछ सवाल ट्विटर पे आपके फैन से लिए हैं, तो आई थिंक लेट्स टेक अ फ्यू ऑफ देम। अम्ब्रीन अशरफ, हाउ वाज इट वर्किंग विद करीना अगेन इन बजरंगी भाईजान आफ्टर तलाश? बजरंगी भाईजान में मेरे उनके साथ सीन नहीं है एक्चुअली जी, बट मेरा मैं तो अभी आगे कोई अगर फिल्म करूँगा तो ज़रूर पहले ही बोल दूँगा अगर उनके साथ तो होने चाहिए सीन, कुछ इसमें है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो आपको मतलब रिग्रेट है इस चीज़ का? हाँ। ओके, दिस इज़ अम्ब्रीन अशरफ वंस अगेन फ्रॉम रियाद। हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद सलमान खान? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मतलब बहुत ही मज़ेदार ऐसा एक्सपीरियंस था कि आने का मन ही नहीं कर रहा था बॉम्बे में। मतलब अगर ये पाँच महीने छः महीने भी शूटिंग चलती तो इनके रहते हुए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आने का, चलती रहे शूटिंग ऐसा लग रहा था। तो इतना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था तो बड़ा मज़ा आया। दिस इज जन्नतुल फ्रॉम बांग्लादेश। हाउ वाज द रईस शूटिंग? व्हाट इज हिज फीलिंग टू वर्क विद शाहरुख खान? रईस की शूटिंग एक शेड्यूल हुआ है और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो उनके साथ उतना हम्बल तरीके से काम किया उन्होंने, मतलब इतना हम्बल हैं वो, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सचमुच। कितने दिन का शेड्यूल रहा है अभी तक आपका? आई थिंक काफ़ी लंबा शेड्यूल था हमारा, एक महीने का शेड्यूल था। यहीं फिल्म सिटी में? हाँ, फिल्म सिटी में। एंड राहुल ढोलकी, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग गाय एज़ वेल। ऑफ कोर्स, उनके दिमाग में फिल्म है, उनको जैसा चाहिए वैसा ही वो करवा के बाद आते हैं। क्या आपका मतलब रोल है रईस में? मैं कॉप का रोल कर रहा हूँ इसमें जी। एंड इट्स लाइक अ पैरेलल लीड विद शाहरुख खान। फिलहाल अभी पूरा नहीं बता सकता कि क्या है, बट राहुल ढोलकिया नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, तो कैन वी एक्सपेक्ट लाइक अ कोर्स? बहुत ही अलग फिल्म बनने वाली है ये। अमन फ्रॉम हैदराबाद, वॉज वर्किंग विद सलमान खान इन बजरंगी भाईजान डिफरेंट फ्रॉम किक? बजरंगी भाईजान में बहुत स्मूथ कैरेक्टर है उनका और बस ज़रा सा भी उन्होंने लाइक जैसे एक जो ऑरा होता है उनका फिल्मों में लार्ज इन देन लाइफ होती, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक आदमी एक इंसान देख रहे हो उस तरीके से पूरी पिक्चर को वो बहुत ही स्मूथली इन्होंने किया है, तो बहुत अच्छी वो देखने लायक चीज़ है। दाना बोली फ्रॉम स्विट्जरलैंड, यू आर द प्राउड फादर ऑफ टू चिल्ड्रेन नाउ, हाउ आर यू एबल टू मैनेज फादरहुड प्लस योर बिजी शेड्यूल प्रोफेशनल लाइफ? ना मेरा थोड़ा सा ऑफकोर्स थोड़ा सा वो होता है क्योंकि कंटिन्यूसली शूटिंग चल रही है या थोड़ा सा जब भी टाइम मिलता है ऑफकोर्स मैं बच्चों के साथ मेरा गुजारता हूँ जितना भी टाइम मिलता है। आई थिंक काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी परवरिश तो खैर मदद कर ही रही है, मेरा काम है उनका कि भाई उनका फ्यूचर, उनका उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश कैसे हो वो उस पर, तो इसलिए काम जब होता है तो फिर काम करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। This is Rachel from Edinburgh, Scotland. Is there anyone you've just worked with that you want to work with in your next project? मैंने जिन लोगों के साथ काम किया था दोबारा, जैसे कबीर के साथ न्यूयॉर्क में काम किया था, अभी फिर मेरी ख्वाहिश थी कि उनके साथ काम करूँ, फिर से कर रहा हूँ। अगर कोई डायरेक्टर रिपीट हो रहा तो अच्छी बात है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो ऑफकोर्स जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, अगर दोबारा भी काम मिलेगा तो डेफिनेटली करूँगा। रूमर्स थी कि आप सुल्तान में भी आप हैं, लेकिन नहीं, ये कोई न्यूज़ कहाँ, मतलब ये कोई न्यूज़ मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट सुल्तान है। बिल्कुल। ज्वलित फ्रॉम अहमदाबाद, नवाज सर यू ऑलवेज चूज डिफरेंट रोल्स, माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट्स योर ड्रीम रोल? कभी ड्रीम रोल के बारे में कभी सोचता नहीं था कि क्या कौन सा रोल आपका ड्रीम, क्योंकि क्या होता है एक्टर की टेंडेंसी की अगर एक रोल के बारे में ड्रीम रोल के बारे में सोचने लगता है और उस दौरान उसको कोई दूसरे कैरेक्टर मिलते हैं तो जो ड्रीम रोल के बारे में सोच रहा है उसके वो कुछ ग्लिम्सेज आने लगते हैं उसमें। लेकिन बार बार जब ये क्वेश्चन किया जाता है तो फिर मुझे भी लगा कि एक तो कुछ होना चाहिए, तो फिर फाइनली वाकई जब मैंने सोचा कि कौन सा मेरा ड्रीम रोल है तो इस नतीजे पर पहुँचा मैं कि मुगले आजम का दिलीप कुमार सलीम। क्या बात है, दैट आई वॉन्ट टू डू। क्या बात है, आई थिंक आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थिंक पीपल कैन इमेजिन यू इन दैट रोल एज वेल। इट्स अ वेरी डिफरेंट एनालॉजी, बिल्कुल अलग मुख्तलिफ वो हैं, लेकिन वो पूरा एक हीरो का कैरेक्टर था आपका गैंग्स ऑफ वासेपुर का जिस तरीके से, तो मुगले आजम में डेफिनेटली वन कैन इमेजिन दैट।
Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hangama. Keep on watching.